खबर रीवा जिले से है, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने महिला बाल विकास और शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ बैठक का आयोजन किया। इस दौरान बच्चों में कार्मिक नाशक एल्बेंडाजोल की गोली सामूहिक रूप से देना है। इसका उद्देश्य एनीमिया बचाव और कीटाणु को नष्ट करना है। यह जवाबदारी स्कूल संचालकों को दी गई है कि सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली दी जाए। साथ ही महिला बाल विकास को भी जवाबदारी दी गई है कि जहां भी छोटे छोटे बच्चे क्षेत्र में हैं, उन्हें गोली उपलब्ध कराई जाए। आइए आपको दिखाते हैं आयोजित बैठक और सुनाते हैं कलेक्टर प्रतिभा पाल को, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्या जानकारी दी है। आदिवासी आश्रम शालाएं होगी, इसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे। स्थानीय निकाय के जैसे नगर निगम के बहुत सारे स्कूल रहते हैं, उनको भी हम लोग शामिल करेंगे। मदरसे आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे ही प्रमुख रूप से। इसमें अच्छे से काम कर सकता है हितग्राही समूह जो है इस बार का, जैसा कि अभी मैंने बताया, एक से 19 वर्ष के बच्चे, इसमें दोनों किशोर किशोरियाँ जो शाला जाते हैं और जो शाला त्यागी हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। 20 से 49 वर्ष की प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं को भी इसमें शायद इनका सेवन करने से भी इसका संक्रमण बढ़ने का खतरा रहता है। इसके फायदे हैं कि कमी की व्यापकता में कमी, रोग प्रतिरोधक शक्ति में कमी, क्योंकि उसका हीमोग्लोबिन परसेंटेज सुधरता है, स्वास्थ्य और पोषण में सुधार। सुनने में बहुत साधारण लगता है लेकिन यह एक गंभीर समस्या है, इसलिए आप सबका सहयोग इसमें अपेक्षित है। जिनको हल्का संक्रमण रहता है कई बार उनको पता भी नहीं लगता है। अधिकतर आजकल जैसे लोग बाहर जाते हैं, होटलों में खाते हैं, रेस्टोरेंट से खाते हैं, या मुख्य रूप से बच्चों में जो इसकी शिकायत होती है, पेट में दर्द होना, बार बार लूज मोशन होना, कमजोरी लगना, उल्टी आना, भूख न लगना। एक बच्चे के शरीर में जितने ज़्यादा कमी होंगे उतने ही ज़्यादा उसको लक्षण होंगे। मैडम, हम लोगों ने अपने, हम लोग जब स्टूडेंट्स थे तो मैंने देखा एक बच्चे की केवल वर्ब इन्फेस्टेशन को भी इस साल टारगेट में दिया गया है, उनको भी 12 सितंबर को एक डोज दिया जाएगा और 15 सितंबर को यदि वो छूट जाती है तो उनको भी इसमें शामिल करके छोटी हुई महिलाओं को भी कमी नाशन के लिए सिंगल डोज एल्बेंडाजोल दिया जाएगा। एक साल तक के जो बच्चे हैं, 1 से 2 साल तक के बच्चे 12 सितंबर को देते हैं और 12 सितंबर को यदि कोई बच्चा उससे छूट जाता है तो 15 सितंबर को एक वापस राउंड हम लोग करेंगे। मैडम, इस बार की विशेषता यही कि इस बार 20 वर्ष से 49 वर्ष की महिलाओं को भी इस कार्यक्रम में कोई बुला लेना। महिला बाल विकास की बैठक होती है आज, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, जो स्कूलों में बच्चों को कृमि नाशक के रूप में 12 सितंबर के दिन एल्बेंडाजोल की गोली सामूहिक रूप से देनी है सभी को, ताकि बच्चों में जो एनीमिया का कारण बनते हैं कृमि, उनका निराकरण किया जा सके। और इसका एक मॉपअप राउंड 15 तारीख को भी होगा, 15 सितंबर को। तो इस संबंध में जितने भी स्कूल्स हैं उनके सभी के प्रिंसिपल्स की जवाबदारी रहेगी कि जितने भी बच्चे एनरोल्ड हैं स्कूल में उनको एल्बेंडाजोल दी जाए। साथ ही महिला बाल विकास विभाग को ये जवाबदारी दी गई है कि उनके यहाँ जो छोटे बच्चे हैं उनको ये गोली समय से मिल सके। साथ ही जो 18 वर्ष से 49 वर्ष की महिलाओं को भी इस बार इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि एनीमिया का मुख्य कारण होता है, तो उनको भी एल्बेंडाजोल की दवाई दी जानी है। तो इसी संबंध में किस तरीके की तैयारी रहेगी, किस तरीके से गोली पहुँचेगी, कैसे पूरी टीम ये इंश्योर करेगी, इसी बात को लेकर के आज मीटिंग हुई है और सभी को निर्देश दिए गए हैं कि 12 तारीख का ये कार्यक्रम बहुत ही तत्परता से और बहुत सावधानी से इसको सम्पन्न करें। अभियान के तहत चलाया जाएगा, ये शासन का अभियान है। दिशा निर्देश भी हैं कि 12 सितंबर को एग्जाई रूप से सभी स्कूल्स में, सभी आंगनवाड़ी के भवनों में और साथ ही जो अपने जितने भी ट्राइबल डिपार्टमेंट के जो हॉस्टल्स हैं उनमें भी ये अभियान चलाया जाना है।